नागौर से गैंगस्टर संदीप सेठी की हत्या की गई है। बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बदमाशों ने कोर्ट परिसर के बाहर संदीप सेठी को गोली मारी। काली स्कॉर्पियो में शूटर्स आए थे। संदीप बिश्नोई को 9 गोलियां मारी गई। बदमाशों ने गैंगस्टर संदीप सेठी की हत्या की है। काली स्कॉर्पियो में आए गैंगस्टर्स और उसके बाद 9 गोलियां संदीप को मारी गई। राजस्थान के नागौर में दिन दहाड़े मर्डर से सनसनी फैल गई। तस्वीरें देखिए किस तरह से शूटर्स आए और उसके बाद गोली चलाने के बाद फिर एक बाइक से फरार हो गए। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ध्वज आर्य जुड़ गए हैं। ध्वज, क्या जानकारी मिल पा रही है इन शूटर्स के बारे में? किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम करने के बाद वहां से भाग निकले वो? देखिए, नागौर जिले की पूरी घटना बताई जा रही है। जब गैंगस्टर संदीप सेठी को नागौर कोर्ट में पेश किया गया और उसी दौरान बाइक सवार कुछ युवक आए और उसे गोली मार दी। संदीप सेठी के साथ में कुछ युवक भी जो उसके साथी बताए जा रहे हैं। 3 युवक घायल हुए हैं, 1 एडवोकेट घायल हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जो चौंकाने वाली बात यह है कि हथियारों ने जैसे ही गोली मारी संदीप सेठ को और उसके बाद में तुरंत ही संदीप सेठी को जो है स्कॉर्पियो गाड़ी में डाला और उसे लेकर जो है वहां से सारे हथियारे फरार हो गए। ये सारे जो हथियारे थे वो हरियाणा की तरफ भागे हैं और हरियाणा नंबर की जो है इनकी स्कॉर्पियो बताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल जो है नाकाबंदी की। ध्वज, आप ये जानकारी दे रहे हैं कि गोली मारने के बाद संदीप सेठी को गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गए हैं? बिल्कुल, सभी हथियारे जो थे उन्होंने गैंगस्टर संदीप सेठी को पहले गोली मारी और गोली मारने के बाद स्कॉर्पियो में डाल के वहां से ले गए, डेड बॉडी अपने साथ लेके गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस तरीके से इनके जो दुश्मनी है, गैंगवार है, वो कितनी हद तक जो है जा चुका है कि उसे गोली मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को भी साथ ले गए। पुलिस महकमे में पूरा हड़कंप मचा हुआ है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।